आज मसाला किचन में बन रहे हैं बच्चों के बेहद पसंदीदा डोरा केक। बहुत ही बढ़िया। बच्चों के इस वक्त चेहरे हो गए बिल्कुल मायूस। बच्चे घर में बैठे बोर हो गए, उनकी पसंद की कुछ चीजें तो बनानी ही पड़ेंगी। मसाला किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री। बच्चे बाहर भी नहीं जाएंगे, बाहर का भी नहीं खाएंगे, तो कुछ चीज़ें जो घर में हमारे पास हैं उनसे हम बच्चों को तो खुश कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं उनकी पसंद के डोरा केक। यहाँ मैं ले रही हूँ एक बोल में 2 टेबल स्पून बटर। अगर बाय चांस आपके पास बटर ना हो तो आप क्या लेंगे, शुद्ध घी ले सकते हैं या रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। 1/4 कटोरी मैंने ले लिया है कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क जो है अगर हमारे घर में है तो बहुत ही बढ़िया। इन केस नहीं है तो आप क्या करेंगे, 1 से 1.5 कप दूध ले लीजिए, उसे काफ़ी गाढ़ा करके 1/4 कप कर दीजिए और उसे मीठा अच्छा कर दीजिए। हो जाएगा आपका कंडेंस मिल्क का काम। अब इसी बोल में आप डाल दीजिए 1 कप छानकर मैदा। आप चाहें तो इसे आटे से भी बना सकते हैं। अब इसमें डाल दीजिए 1/4 कटोरी पिसी चीनी। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे दूध से हमें मिक्स करना है। करीब करीब 1 से 1.25 कप दूध लग जाएगा। इसे हम इस तरीके से इस कंसिस्टेंसी में लाएंगे। चाहे तो आप थोड़ा पानी भी मिक्स कर सकते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे घर में होते हैं। लीजिए तैयार हो गया। कोई अंडा डालने की जरूरत नहीं है, ये आराम से बनेगा। इसको हम बेक भी नहीं करेंगे, इसे हम नॉर्मल तवे पे बनाएंगे। कुछ बूंदे अगर हैं तो वेनिला एसेंस डाल सकते हैं। यहाँ एक पैन लेंगे, थोड़ा सा बटर ग्रीस करेंगे और 1 छोटी करछी इस पर डाल देंगे। और हाँ, इसे एक पेपर नैपकिन से या एक नैपकिन से साफ जरूर कर लीजिए। बस 1 करछी डालिए, स्लो फ्लेम रखिए और इसे कवर कर दीजिए करीब 1 मिनट के लिए। 1 मिनट बाद आप देखेंगे ऊपर काफी सारे एयर पॉकेट्स आ गए हैं। इसे धीरे से पलट लीजिए। देखिए कितना अमेजिंग सा ये बना है, बिल्कुल बिना मेहनत के। अब इसे वापस कवर कर लीजिए करीब करीब 1/2 मिनट के लिए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्पॉन्जी गद्दी सी हो। बच्चे तो इतना खुश हो जाएंगे, आपकी थोड़ी सी मेहनत में बहुत ही बढ़िया चीज़ बन जाएगी। और हो सकता है बच्चे आपकी हेल्प भी करें क्योंकि ये उनकी पसंद की चीज़ है। बस इसी तरीके से थोड़ा सा ग्रीस कीजिए, उसे वॉश कीजिए और 1-1 करछी बस सेंटर में डालते जाइए। अगर आपका पैन बड़ा है तो 2-2 एक ही टाइम में बना सकते हैं। इसे कवर करना बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर के बन जाते हैं, गोल्डन कलर के। 1 कप मैदे से कम 7 से 8 डोरा केक बनकर तैयार हो जाएंगे। अब बारी आती है इसे बीच में फिल करने की। आप इसमें चॉकलेट सॉस डाल सकते हैं, जैम डाल सकते हैं, जो आपके घर में हो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी स्प्रेड भी यूज़ कर सकते हैं जो बच्चों को बेहद पसंद होता है। बस इसे रखिए और चाहें तो ऊपर से थोड़ी सी हनी को गार्निश कर दीजिए। बहुत ही टेस्टी लगेंगे बच्चों के पसंदीदा डोरा केक, जो उन्हें बेहद पसंद है। आप आसानी से बना सकते हैं बिना अवन के, बिना अंडे के, बहुत ही आसानी से। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल गलती से मत कीजिए।